बच के रहना, हर किस्म की झूठ, दगा, फरेब, धोखा, गाली गलौज। एक रिवायत में मैं सोचता हूँ, अगर कोई तुम्हें गाली दे रहा है, कोई तुम्हारे से झगड़ा कर रहा है, तो आप ये कह दीजिए कि मैं रोजे से हूँ। यानी गोया के बंदा जो रोजा रहता है वो ना गाली देता है, ना झूठ बोलता है, ना झगड़ा तो होता है, झगड़ा भी नहीं करता। इस तरह से जो है रोजा उसके लिए फायदेमंद है। और एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बा फलयतज़व्वज, तुम्हारे अंदर अगर इस्तताअत है तो नौजवानों की जमात शादी करो, ताकत है, नान नुक्ता देने की अपनी बीवी को खाना खिलाने की ताकत है, और हर तरह से तुम्हारे अंदर इस्तताअत है तो शादी करो। अगर तुम शादी नहीं कर सकते, ये ताकत तुम्हारे अंदर नहीं है, नाना नुक्ते बीवी को पालने की ताकत नहीं है, तो फिर तुम रोजा रखो, रोजा रखो, क्योंकि रोजा शहवत को मारता है, इंसान के शहवानी कुवत को दबा देता है रोजा। अब रोजा भी है, आदमी औरतों के ऊपर भी नजर डाल रहा है, औरतों के ऊपर भी नजर डाल रहा है, हर बुराई के अंदर मुबतला है, तो फिर उसका रोजा उसको फायदा नहीं देगा। इसी तरह से एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स रोजे की हालत में बेहुदा बात न बोले और ना चीखे चिल्लाए, अगर कोई उससे गालो गलौज करता है तो या लड़ाई करता है, तो उसे कह देना चाहिए कि मैं रोजे से हूँ। ये कह देंगे तो समझो कि वो उस बुराई से आदमी बच जाता है। हाँ, चुगली भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं रोजे की हालत में, टाइम को पास करना है, तो ये इंसान की जिंदगी के ऊपर वो असर नहीं है। गाली देना आपका नहीं छूटा, आप झूठ बोलना नहीं छूटा, लड़ाई झगड़ा करना नहीं छूटा, शहवत आपके अंदर से खत्म नहीं हुई, आपकी जिंदगी के ऊपर उसका असर नहीं पड़ा, तो समझो आपके रोजे के अंदर फोड़ है। जिस तरह से बेहयाई और बुराई से वहाँ नमाज आपको नहीं रोक रही है, यहाँ रोजा भी आपको इन तमाम मुँह से नहीं रोक रहा है, तो वो नमाज भी आपकी नमाज नहीं है, ये रोजा भी आपका रोजा नहीं है। इसी तरह से हज है, हज भी अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों के ऊपर जो है जिंदगी में एक मरतबा हज को फर्ज किया, एक मरतबा फर्ज किया। फमन फरद फीहिन्न फला रफथ वला फुसूक वला जिदाल फिल हज, अल्लाह तबारक व तआला ने जो शख्स हज के महीने में अपने ऊपर हज को लाजिम कर ले, वो अपनी बीवी से मेल मिलाप करने, गुनाह करने और लड़ाई झगड़ा करने से बचा रहे। जब आप हज का इरादा कर लिए, आप हज को निकल गए, आप एहराम की हालत में अपनी बीवी से नहीं मिलेंगे, बीवी की बीवी से भी आप नहीं मिलेंगे, और लड़ाई झगड़ा जो है नहीं करेंगे और गुनाह नहीं करेंगे। अगर ये काम अगर आप करेंगे तो ये हज आपका होता है। तो इन चीज़ों से अगर आप बच करके रहेंगे हज की हालत में, तो अल्लाह जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो उस तरह से लौटता है जिस तरह उसकी माँ ने उसको जिस दिन जन्म दिया उस तरह से पाक हो जाता है। अगर नहीं हज कर रहा, हज करके आदमी आज का जो है हज करना भी तफरी की तरह हो, तफरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों को मालूम दौलत दी। याद रख लीजिए, आपका हज कबूल हुआ या नहीं हुआ, हज से आने के बाद आप खुद उसका अंदाजा लगा सकते हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, पहचान सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं कि मेरा हज कबूल हुआ या नहीं हुआ। हज करके आने के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाना चाहिए, आपका चेहरा नबी का चेहरा बनना चाहिए, आप झूठ से बचना चाहिए, गाली गलौज से बचना चाहिए, नमाजों का एहतमाम करने वाले बनना चाहिए, रोजे के एहतमाम करने वाले बनना चाहिए, ज़कात पाबंदी से निकालने वाले बनना चाहिए, माँ बाप के हुकूक अदा करने वाले बनना चाहिए, माँ बाप के साथ उसने सुलूक करने वाले बनना चाहिए, हर किस्म की बुराई को ख़त्म करना चाहिए। तब आप समझ लीजिए, फैसला कर लीजिए कि आपका जो नहीं, अगर ये बुराइयाँ अपनी जगह पर हैं, आदमी हज करके आया फिर भी के लिए यहाँ तक क्यों दो तीन लाख रुपये खर्च करता है। अगर किसी की दाढ़ी है तो लंबी नहीं होती उसकी, अगर दाढ़ी रखी हुई है तो खसखसी लंबी नहीं होती। क्या क्या फायदा तुम्हारे हज का, क्या फायदा तुम्हारी नमाज का, क्या फायदा तुम्हारे रोजे का। तो नहीं मेरे भाइयों, इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए उसका असर जिंदगी का, इबादात का असर जिंदगियों पर, हमारी जिंदगी के ऊपर होना चाहिए, नुमाया जाहिर होना चाहिए, नजर आना चाहिए कि हकीकत में हम ये अमल अल्लाह के लिए जो है
खालिस अल्लाह के लिए इखलास के साथ नहीं करा है। अगर नहीं है तो फिर जो है समझो कि हमारे यहाँ अल्लाह वाला कबूल हो रहे या नहीं। सोच लीजिए, ये तो नमाज रोजा रखने वाले, नमाज पढ़ने वाले और हज अदा करने वालों के बारे में बोल रहा हूँ। जो ये सारे तीनों चीज नहीं कर रहे उनका क्या हासिल होगा, उनका क्या हासिल होगा? अबर में पहरा चले गए मेरे भाइयों, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने गाड़ी में बोलूंगा, गाड़ी के ऊपर भी बोलूंगा एक दिन इंशाल्लाह। गाड़ी की सुनत नहीं फर्ज है, फर्ज बोलूंगा इंशाल्लाह। एक बयान गाड़ी के बारे में, बहुत से लोग मेरे भाइयों ने मुसलमान की निशानी है, मुसलमान की निशानी छोड़िए। अपनी नमाजों को दुरुस्त कीजिए, अपने लोगों को दुरुस्त कीजिए, अपने हज को दुरुस्त कीजिए, अपना ज़कात को दुरुस्त कीजिए, अपने अमाल को दुरुस्त कीजिए, अल्लाह को राजी करने की कोशिश कीजिए, अल्लाह को खुश करने की कोशिश कीजिए, नबी की सुन्नतों को अपनाने की कोशिश कीजिए। तब जो है अल्लाह तबारक व तआला से राजी होंगे और हमारी जिंदगियों में भी जो है उसका नमूना हमें नजर आएगा। हमें पहचान सकेंगे कि हमारे अमाल नहीं है, हम जो है सही कारोबार भी कर रहे हैं, सारे मामला जो कर रहे हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, ये नमाज तो बहरे हाल इंशाल्लाह मजीद कुछ बातें हो सकता है अपने जुबान में आपके पास सामने रखने की कोशिश करूँगा। अपना सबुआ है अल्लाह मुझे प्राप्त हो सुनने से ज़्यादा अमल करने की छुपा फरमाए। अल्लाह हम जो अमान को मजा आते हैं अल्लाह इसको तेरा इखलास जो है, तेरे इखलास को अपनाने के खालिश तेरे लिए और तेरी रजा के लिए हम जो है अमल करने के लिए छुपा फरमा, और हम जो अमल करें अल्लाह को कबूल फरमा, और उसका असर अल्लाह हमारी जिंदगी पर भी जो है हमारी जिंदगी पर भी ज़ाहिर फरमा। अल्लाह